औ सब मिलकर करे प्रण कुशल हो देश का सभी जन कुशल बनेगा देश हमारा यही तू है हम सबका नारा सबका हुनर का विकास हर घर के लिए एक खास नानी नानी नाना नाना हर घर के लिए एक खास नानी नानी नाना नाना हर घर के लिए एक खास रहे नदिया की मैं तेरा किनारा हूँ तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ जीना मरना जीत पुरानी दुनिया का रास्ता रहे जीवन भी एक संग्राम है आज देश की पहलू है हम तो सिर्फ मुसाफिर हूँ हम तो सिर्फ मुसाफिर हूँ हम तो सिर्फ मुसाफिर हूँ तू सिर्फ मुसाफिर हो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं लेकिन मेरा कोई संस्थापन नहीं है मैं बहुत परेशान हूं अगर तुम इसे परेशान रहोगे तो कैसे होगा कुछ ना कुछ उपाय तो मिल ही जाएगा चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं ना लेकिन मुझे लग रहा है मैं तुम्हें खो दूंगा क्यों खोगे हम एक दूसरे को कभी नहीं खोएंगे हमारे उम्र चले नहीं गए हैं हम दोनों एक साथ मिलके कमाई करेंगे अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी जल्द ही तय कर दे तो तुम खूबसूरत हो पढ़ाई लिखने में अच्छी हो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का कोई भी आ जाएगा कोई भी अच्छा लड़का आ जाए तो तुम्हें शादी कर लूंगी इतना आसान है क्या मुझे भी लड़का पसंद आना चाहिए तभी मैं शादी के लिए हाँ कर पाऊंगी अच्छा कुछ नहीं चलो चलते हैं हाँ चलो तू धारा है नदिया की मैं तेरा किनारा हूँ तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ जीना मरना जीत पुरानी दुनिया का रास्ता रहे जीवन भी एक संग्राम है आज देश की पहलू है अच्छा अच्छा ठीक है हाँ होगा मैं बाद में फोन करूंगा
पूनम अगर उज्जवल के साथ ऐसे ही घूमते फिरते रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? पूनम इसी जगह में ही पली बड़ी हुई है। वो कैसी लड़की है ये सभी को पता है, इतना सोचने का जरूरत नहीं है। वो उज्जवल के साथ ज्यादा ही घूमती फिरती रहती है, इससे अच्छा वो कुछ कमाई करने की कोशिश करे। पूनम की शादी की उम्र भी हो गई है, रिश्ते भी आ रहे हैं, मैं और ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। पूनम की शादी की रिश्ते मुझे तय करना ही पड़ेगा। क्या बात है माँ, कुछ परेशान लग रहे हो? तेरा पापा तेरा रिश्ता तय करना चाहता है। शादी? मैं भी शादी करना नहीं चाहती। लेकिन शादी तो एक दिन करनी पड़ेगी, समय किसी के लिए रुकता नहीं। और सुन, उज्जवल से बोल कि वो जल्द ही कुछ कमाने की कोशिश करे, वो हायर सेकेंडरी पास है, उससे हमें दिक्कत नहीं है, पर पैसा नहीं कमाने से कैसे चलेगा? घर आंगन हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। उज्जवल जी। बेटा जरा सुन तो। बोले पिताजी। तू आने के टाइम में मेरे लिए दवा लेके आना। हाँ हाँ, पैसा बिस्तर के नीचे पैसा रखा है, ले जाना। हाँ पिताजी, ऐसे तो आपका जमा पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। घर में कमाने वाला कोई है तब ना, ऐसे तामुल पान बेच के गुजरा चल रहा है। हाँ? जा, जा। मैं भी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना, हायर सेकेंडरी पास करके कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं भी संस्थापन ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा, पढ़ाई लिखाई एक सम्मान है, तू ज्यादा सोचा मत कर, भगवान एक ना एक दिन हम लोगों का जरूर भला करेगा। कब देखेगा माँ, समय तो बीता जा रहा है। नदी के धार की तरह समय बहता ही जा रहा है। बेटा तू भी तो कोशिश कर रहा है ना, और थोड़ा सब्र कर, देखना अच्छे दिन आएगा, जरूर आएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे जिंदगी में ऐसे अमावस हमेशा रहेगा क्या? ये प्रकृति का नियम है बेटा, अमावस्या के बाद पूर्णिमा जरूर आता है। हमारा जिंदगी में भी एक ना एक दिन पूर्णिमा का चांद जरूर आएंगे, खूब खिलेंगे हमारा जिंदगी में, बस थोड़ा सब्र कर ले। भगवान करे ऐसा ही हो पिताजी, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है पढ़ाई लिखाई करके मैं ऐसे ही समय गवाता रहा, इस तरफ डिग्री भी क्लियर नहीं कर पाया, सिर्फ समय की बर्बादी। तू ये सब छोड़ बेटा, तू कहीं जाने वाला था ना, अभी जा। हाँ, और आते समय पिताजी के लिए दवाई लेके आना, जा। ठीक है माँ। Thank you.
मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? घर में मेरी शादी की बात चल रही है। शादी? अचानक? हाँ, आज मेरी मामी पापा मुझसे इस बारे में बात किए। मैं तुम्हें इतनी जल्दी किसी और के होने नहीं दूंगा। अगर मेरी मम्मी पापा मुझे किसी और के साथ रिश्ता जोड़े तो क्या तुम उसे रोक सकोगे? मुझे रोकने का हक तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। क्या सोच रहे हो बेटा? मुझे बहुत चिंता हो रहा है माँ। क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर वक्त तू वही सोचता रहता है क्या? और नहीं सोचूंगा माँ, मैं आखिर कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। लेकिन तू क्या करेगा? मैं कल तक फैसला ले लूंगा। तू क्या करना चाहता है? माँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। क्या तू ड्राइवर बनेगा? हाँ माँ, तुझे याद है माँ, मैं जब दसवीं के परीक्षा देके मामा जी के घर गया था, मामा जी ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था। अभी सिर्फ अभ्यास की जरूरत है और मैं कर लूंगा। ही जानता है तू क्या करने जा रहा है। अभी चल खाना खा ले, खाना लगाती हूँ, तू खाना खा ले। हाँ, चल। दिनों से देख रहा हूँ उज्जल सुबह सुबह में गाड़ी चला रहा है। वो गाड़ी खरीदेगा या गाड़ी चलाकर कमाई करेगा? आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगता है वो ड्राइवर बनना चाहता है। अगर यही सच है तो पूनम से कहना कि वो उज्जल के साथ कोई रिश्ता ना रखे। आप खुद ही बताइए पूनम को, मैं आपका इतना कठिन सिद्धांत के बारे में उसे बता नहीं सकती। ठीक है, मैं खुद ही पूनम को पूछूंगा। एक एमए पढ़ने वाली लड़की होकर एक ड्राइवर के साथ क्या वो रिश्ता रखना चाहती है?
सुनते हो हा? आज मुझे पूनम की सहेली ने एक बात बताई थी। क्या बात? दरअसल अपने जो बात उस दिन बोला था हा? कि उज्जवल आजकल गाड़ी चलाना सीख रहा है वो बात। अच्छा? लेकिन उसके दोस्त को भी पता नहीं है वो ये सब क्यों कर रहा है। कमल, तुम उज्जवल और मेरे दोनों के दोस्त हो। अच्छा बताओ तो उज्जवल आजकल किस चीज में व्यस्त रहता है? मुझसे मिलता भी नहीं, फोन में भी बात नहीं करता। बोलता है कि बाद में फोन करता हूँ, लेकिन वो फोन नहीं करता है। वो कर क्या रहा है? क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? वो गाड़ी सीख रहा है। क्यों? वो कार चलाएगा और पैसा कमाएगा। क्या? हाँ सुनो पूनम, मुझे एक काम है तो मुझे चलना पड़ेगा, बाद में मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है। अभी रोकर कोई फायदा नहीं है, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। तेरा पापा तेरा रिश्ता जरूर तय करेगा। माँ, ऐसे मैं किसी के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं? हम लोग तो किसी का साथ तेरा रिश्ता पक्का नहीं करेंगे, पूरा खोज खबर लेकर ही सामान जोड़ना होगा। बेटा जा रहा हूँ। हाँ जा रही हो बेटा। माँ आज मैं पहली बार कमाई के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद देना। पिताजी जीते रहो बेटा, जीते रहो, भगवान भला करे। मैं चलता हूँ। ठीक है। सोचता था कि उसे कुछ अच्छा संस्थापन मिल जाएगा, लेकिन यह हो नहीं पाया। मेरा दुख इस बात से लेकर है जल के मां कि हमारा देश में कम पढ़ाई लिखाई लोगों के लिए कोई अच्छी संस्थापन की व्यवस्था नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी। सोचा था कि
मैं स्कूल का शिक्षक था, मेरा बेटा कॉलेज का प्रोफेसर बनेगा, ये नहीं हो पाया। बना तो बना वो बना ड्राइवर, दिन भर चार पैसे के लिए मजदूरी करके कितना कमा पाएगा वो? मेरा घबराहट सा होता है दिल में, कभी उसका हाल बेहाल सा ना हो जाए। हाँ। अच्छा मुझे पता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिल्ली में रहता है। आप इतना कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। अच्छा आप बात कीजिए। इतना जो मेहनत कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो थकोगी ना? कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाना होगा। अच्छा, एक आदमी को लाना है, चलो। विवेक, ओ चाचा जी। प्रणाम। जीते रहो, कितना दिन के बाद मिले हो। आओ सब मिलकर करे प्रण, कुशल हो देश का सभी जन, सभी जन कुशल बनेगा देश हमारा, यही तो है हम सबका नारा, सबका नारा, सबका हुनर का विकास, हर घर के लिए एक खास। ओ नानी नानी ना 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 ना, हर घर के लिए एक खास। ओ नानी नानी ना ना ना, हर घर के लिए एक खास।